ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 11। टॉपिक है कर्म योग, शारीरिक स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के योग एवं पद्धतियां। प्रश्न, क्या हमारा राजयोग अर्थात कर्मयोग भविष्य में ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है या अभी भी हमको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है? राजयोग केवल भविष्य में स्वास्थ्य प्रदान करेगा, ये हमारी भ्रांति है। वास्तविकता ये है कि राजयोग के यथार्थ रीति अभ्यास करने वाले को यह अभी भी स्वास्थ्य प्रदान करता है और भविष्य में भी अनेक जन्मों तक इससे सदाकाल का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के देह के बलशाली होने को नहीं कहा जाता है, परंतु सच्चा स्वास्थ्य तो वह है जिसमें देह भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो। दोनों के स्वस्थ होने पर ही जीवन में सुख की अनुभूति होती है। राजयोग के सही अभ्यास से हमको दोनों प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त होता है, परंतु आत्मा को अपने पूर्व के किए हुए कर्मों का फल भी भोग कर पूरा करना ही होता है। इसलिए कर्म भोग का आना स्वाभाविक है, परंतु यदि मनसा स्वस्थ है तो दैहिक कर्म भोग होते भी आत्मा अपने को स्वस्थ अनुभव करती है, सुखी अनुभव करती है, जबकि मनसा अस्वस्थ होने के कारण दैहिक स्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति दुखी देखे जाते हैं और अनेक जीवघात भी कर लेते हैं। इसलिए सच्चे स्वास्थ्य की अनुभूति राजयोग के सफल अभ्यास से ही संभव है। किसी भी योग या पद्धति से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। इसलिए हमको अपने इस राजयोग पर, जो सर्वशक्तिवान वैद्यराज परमात्मा ने सिखाया है, उस पर श्रद्धा और विश्वास चाहिए। यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होगा तो ये योग हमको स्वस्थ जीवन का अभी भी अनुभव कराएगा और भविष्य में तो पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा ही। यदि हम ये सोचते रहेंगे कि इससे भविष्य में ही स्वास्थ्य प्राप्त होगा तो यह हमारी भ्रांति है और उससे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वास्तविकता ये है कि ये हमको अभी ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है और करेगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास और अनुभव है। यथार्थ ज्ञान की धारणा और देह से न्यारे होने के सफल अभ्यास से अनेकानेक मानसिक रोगों का निदान होता है, जो अनेकानेक दैहिक बीमारियों का मूल कारण है। देह से न्यारी स्थिति में जो सुख अनुभव होता है वह किसी भी योग्य पद्धति से अनुभव नहीं हो सकता है। कर्मयोग की स्थिति से हमारी ग्रंथियों से जो रस स्त्राव होता है वह दैहिक रोगों से मुक्त करता है और किसी रोग या कर्मभोग से प्राप्त होने वाले दुख को भुला देता है, जो न किसी थेरेपी वाले कर सकते हैं और न किसी अन्य योग वाले। इस राजयोग से ही आत्मा की कर्मेंद्रियों पर विजय होती है, जिससे आत्मा विकर्मों से बच जाती है, अर्थात आत्मा का पाप कर्म का खाता नहीं बनता है, जिससे भविष्य में तो रोग नहीं ही होगा, परंतु अभी भी यथार्थ ज्ञान होने से आत्मा अनेक रोगों के कारण होने वाले
दुख को सहन करने में समर्थ होती है। यह अटल सत्य है कि यदि आत्मा का पाप कर्म का खाता संचित है, तो कोई भी योग और थेरापी आत्मा को निरोगी नहीं बना सकती है। उसको जाने अनजाने अपने कर्मभोग को चुकता करना ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य अनेक प्रकार के हठ योग और थेरापिया आत्मा को अस्थायी स्वास्थ्य अवश्य प्रदान करते हैं और कर सकते हैं, परंतु सदाकाल का अर्थात स्थायी स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अस्वस्थता अर्थात कोई भी कर्म वो आत्मा के पाप कर्मों के फलस्वरूप आता है, जिसको पूरा करने के लिए आत्मा को किसी न किसी रूप में पश्चाताप करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। जो कर्म भोग के समय श्रद्धा विश्वास के साथ कर्मयोग का अभ्यास करते हुए किसी हठ योग या थेरापी का प्रयोग करते हैं, वे सहज अपने कर्म भोग से मुक्ति पा लेते हैं। परंतु जो कर्मयोग के प्रभाव को भूलकर किसी हठ योग या थेरापी से स्वास्थ्य लाभ की आशा रखते हैं, वे और ही अस्वस्थ होते जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को भूलने के कारण पाप कर्म का खाता बढ़ता ही जाएगा। शिव बाबा की ज्ञान बोल शक्तियों की किरणें तो सूर्य के समान सदा सर्वदा सर्वत्र पर पड़ती हैं, परंतु जब हम उसकी याद में होते हैं, तब वे किरणें हमारे ऊपर प्रभावित होती हैं, अर्थात हमारे मानसिक और दैहिक व्याधियों का निदान करती है। जैसे सूर्य की किरणें ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर कागज को या किसी अन्य चीज को जला देती है, सौर्य ऊर्जा का काम करती है, ऐसे ही परमात्मा की ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें हमारी मानसिक और दैहिक व्याधियों का निदान करती है। परमात्मा की किरणें तो अपना काम करती ही है। यदि हम परमात्मा की याद में मन बुद्धि को अपनी व्याधि के ऊपर एकाग्र करके केंद्रित करते हैं, तो हमारी व्याधि अवश्य ही दूर होगी। परंतु हमको निश्चय होना चाहिए, अनेक भाई बहनों के अनुभव है जिन्होंने परमात्मा की याद से असंभव से कार्यों को संभव किया है, अनेक प्रकार की असाध्य व्याधियों से निदान पाया है। प्रश्न: वास्तविक स्वास्थ्य क्या है, उसका निर्णायक बिंदु क्या है? वर्तमान तमोप्रधान दुनिया है, इसमें सर्वागुण स्वास्थ्य की कल्पना करना भी अल्पज्ञता है। परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जीवन हमको मिला है, उसका सदुपयोग करते हुए आंतरिक खुशी सुख शांति में रहना ही वास्तविक स्वास्थ्य है। तन का रोग होते भी अगर मन खुश है, तो उसको रोगी नहीं कहा जाएगा, अर्थात वह कर्म भोग नहीं है। वह भी आत्मा का विश्व नाटक में एक पार्ट है, जो आत्मा कर्म योगी बनकर बजा रही है। यदि त्वन स्वस्थ है और मन दुखी है, तो वह रोगी है। यदि तन में थोड़ा रोग है और मन अधिक दुखी हो रहा है, तो वह बड़ा रोग है। और अगर बड़ा रोग है और मन खुश में है, तो वह बड़ा रोग नहीं कहा जाएगा। उसको बाबा कहते हैं कि वह सुई से कांटा हो जाता है। वास्तविक स्वास्थ्य के लिए तन मन धन जन चारों का स्वस्थ होना आवश्यक है। चारों स्वस्थ होंगे तब ही आत्मा सच्ची सुख शांति का अनुभव करेगी। जो वास्तविक स्वास्थ्य की पहचान है, अर्थात कसौटी है।
अगला टॉपिक है कर्मयोग अर्थात राजयोग और अन्य योगों एवं पद्धतियों द्वारा स्वास्थ्य लाभ का तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्न, क्या अन्य योगों वाले और पद्धतियों के स्वास्थ्य लाभ की गारंटी करने वाले सदा निरोगी रहते हैं? क्या वे रोगी नहीं होते हैं? उत्तर है, प्रायः सभी प्रकार के हठ योग सिखाने वाले या हठ योग या अन्य थेरेपियों से रोगों का निदान करने वाले कहते हैं कि उनके योग या थेरेपी द्वारा सब प्रकार के रोगों का निदान हो सकता है, परंतु क्या ये संभव है? और यदि संभव है तो किस सीमा तक संभव है? इसके लिए यहाँ हठ योग और अन्य पद्धतियों द्वारा रोगों के निदान और राजयोग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कर्मयोग या हठ योग अथवा अन्य किसी थेरेपी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए भी उस पर श्रद्धा विश्वास होना अति आवश्यक है, तभी वह सही रीति से काम करेगी। परंतु ये आशा आकांक्षा रखना कि किसी प्रकार के हठ योग या थेरेपी द्वारा हर प्रकार के रोग का निदान होगा अल्पज्ञता होगी, क्योंकि कलयुग में ये संभव नहीं हो सकता है। कर्मयोग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए उसके विधि विधानों का ज्ञान और उन पर निश्चय होना अति आवश्यक है, जिसके बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिए हैं। हमारे जीवन में दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक है स्थूल और दूसरी है सूक्ष्म। सुखी निरोगी जीवन के लिए दोनों का बैलेंस होना अति आवश्यक है, परंतु मूल है सूक्ष्म अर्थात आत्मा और स्थूल है गौण, क्योंकि स्थूल प्रक्रिया सूक्ष्म पर आधारित है। जब आत्मा स्वस्थ और बलशाली होती है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ और बलशाली होगा, और आत्मा के स्वस्थ और बलशाली होने के लिए राजयोग ही एकमात्र साधन और साधना है। स्थूल अर्थात दैहिक स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के हठ योग पद्धतियाँ एक्सरसाइज आदि है, जो भी करना आवश्यक है और उनसे कुछ लाभ अवश्य होता है, परंतु यथार्थ ज्ञान और राजयोग अर्थात कर्मयोग के प्रभाव को भूलकर उनसे स्थायी स्वास्थ्य की आशा करने वाला सदा काल का स्वास्थ्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये विश्व नाटक का अटल सत्य है। कर्मयोग से तत्व भी पावन बनते हैं, और जब तत्व पावन होते हैं तो उनसे स्वस्थ देह का निर्माण अवश्य होगा, जो हठ योग से कभी भी संभव नहीं है। मनुष्य के कर्म भोग में तत्वों के हिसाब किताब की भी बड़ी भूमिका है। हठ योग से दैहिक स्वास्थ्य तो किसी हद तक मिल सकता है, परंतु उससे जीवन सुखी हो जाए ये निश्चित नहीं है। कर्मयोग से निश्चित है कि उसके सफल अभ्यास से जीवन अवश्य ही सुखमय होगा। हठ योग से आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती है, परंतु किसी कर्म भोग के निदान से कुछ समय के लिए सुख का अनुभव कर सकती है, क्योंकि आत्मा के स्वस्थ होने के लिए आत्मा का पावन होना अति आवश्यक है, अर्थात आत्मा के ऊपर से पाप कर्मों का खाता खत्म हो, तब ही आत्मा स्वस्थ हो सकती है। कर्मयोग से जब आत्मा स्वस्थ हो जाती है तो कोई कर्म भोग होता ही नहीं है, और शारीरिक स्वास्थ्य अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्मयोग से आत्मा को गति सद्गति प्राप्त होती है, हठ योग से कभी गति सद्गति मिल नहीं सकती है। हठ योग से अस्थायी रूप में स्वास्थ्य लाभ होता है,
परंतु आत्मा सतत दिन गति की ओर ही बढ़ती जाती है। सभी प्रकार के हठयोगों और पद्धतियों से स्वास्थ्य लाभ होते हुए और स्वास्थ्य लाभ के लिए पुरुषार्थ करते भी आत्मिक शक्ति का सतत ह्रास होता है। आत्मा की उतरती कला ही होती है, परंतु कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे परिणाम स्वरूप आत्मा को दैहिक स्वास्थ्य लाभ भी होता है। हठयोग से शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ तो होता है, परंतु विकारों पर विजय नहीं होती है, जिससे आत्मा दिनों दिन विकारों के वश होती जाती है, जिससे उसकी गिरती कला ही होती है। परंतु कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मा को विकारों पर विजय प्राप्त होती है, जिससे जीवन निर्विकारी बनता है और निर्विकारी जीवन ही स्वस्थ जीवन का अर्थात सच्चे सुख शांतिमय जीवन का आधार है। कर्मयोग के अभ्यास से कर्म भोग के कारणों का ज्ञान भी होता है और उनका निवारण भी होता है, परंतु हठयोग या विभिन्न स्वास्थ्य लाभ के निमित्त बनी पद्धतियों के द्वारा कर्म भोग के कारणों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसका स्थायी निदान न होता है और न हो सकता है, क्योंकि हठयोग और अन्य पद्धतियों में बाह्य कारणों का ही एक हद तक ज्ञान होता है, आंतरिक कारणों का नहीं, जबकि आंतरिक कारण ही बाह्य कारणों का मूल है। कर्मयोग के अभ्यास से आत्मा कर्मातीत बनती है। जब हठयोग और अन्य पद्धतियों से आत्मा कर्मातीत न बनकर दिनों दिन कर्म बंधन में ही बनती जाती है, जो कर्म भोग के मूल कारण है, कर्मयोग से आत्मा मायाचीत बनती है। जबकि हठयोग या अन्य पद्धतियों से उपचार करते भी आत्मा माया जल में ही पसती जाती है। माया अर्थात देहाभिमान जनित विकार और उनके वशीभूत कर्म, जो कर्म भोग या कर्मबंधन के मूल कारण है। कर्मयोग से आत्मिक और दैहिक स्वास्थ्य लाभ का विधि विधान ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा सिखाते हैं, जबकि हठयोग और अन्य पद्धतियों से स्वास्थ्य लाभ का विधि विधान मनुष्य सिखाते हैं, जो अल्पज्ञ है, इसलिए उनसे सदाकाल के लिए कर्मभोगों का निदान नहीं हो सकता है। एक जाता है, दूसरा आ जाता है। हठयोग या अन्य किसी थेरापी से इंद्रियां शांत नहीं होती है, और होती भी है तो कुछ समय के लिए होती है, परंतु कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मा इंद्रजीत बन जाती है, जिससे इंद्रियां शांत हो जाती है और वे श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होती है, जिससे कर्म भोग का खाता तो खत्म होता ही है, साथ साथ श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं, जिससे श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी जमा होता है। इंद्रियों के रस के वशीभूत कर्म ही आत्मा के कर्म भोग और कर्म बंधन का कारण है। ये विश्व नाटक का विधान है कि आत्मा स्वस्थ है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ होगा, और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए कर्मयोग ही एकमात्र साधन और साधना है। साकार बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है, योग से सब कर्म भोग खत्म हो जाएगा। अपने लिए भी बाबा ने कहा है, बाबा से कहता हूँ, बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो, परंतु मैं सदा याद में कहाँ रह पाता हूँ। जो खांसी ठीक हो, कहने का तात्पर्य यह है कि सत्यता ये है कि इस कर्मयोग से सारे कर्म भोग और कर्म बंधन समाप्त हो सकते हैं, और होते भी हैं, परंतु
विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार जब तक नाटक पूरा नहीं हुआ कोई सदा योग में रह नहीं सकता, अशरीरी बन नहीं सकता। अंत में ब्रह्मा बाबा ने कर्म भोग पर कर्मयोग से ही विजय पाई और आज फरिश्ता रूप में विश्व की सेवा कर रहे हैं। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। तुमको कहा गया है सारी दुनिया को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा कानों बगैर सुनेगी कैसे, अशरीरी हो जाओ। जैसे आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है, सो जाते हैं तो कोई गला भी काट कर जाए तो भी पता नहीं पड़ता है। जब तक अशरीरी नहीं बने हो तब तक कुछ न कुछ माया की चोट लगती ही रहेगी। साकार मुंडली की रिवाइज डेट है 13 जनवरी 1969। अगला टॉपिक है कर्म भोग और बाह्य सहयोग। कोई भी व्यक्ति को किसी कर्म भोग के समय किसी व्यक्ति या संगठन से उतना ही सहयोग मिल सकता है जितना उसने अपने कर्मों से उनके पास अपना कर्म फल का खाता जमा किया है या भविष्य में उसके द्वारा उसका रिटर्न मिल सकता है, अर्थात वह आत्मा उसको चुकाने में सफल हो सकती है। ये विश्व नाटक का अदृश्य विधान है। यदि कोई व्यक्ति उससे अधिक की किसी से अपेक्षा करता है तो वह उसकी भूल है जो उसको निराशा ही प्रदान करेगी। सच्चा योगी अर्थात जिसका परमात्मा से यथार्थ योग है, वह कब किसी व्यक्ति या संगठन से ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं। वे परमात्मा पर विश्वास रखकर सदा निश्चिंत रहकर अपनी साधना करते हैं, जिससे उनका निरंतर सत्कर्मों का खाता जमा होता रहता है, जो समय पर उनका सहयोग स्वतः ही करता है। परमात्मा उनकी समय पर आवश्यक आवश्यकताएं स्वतः पूर्ण करता है, अर्थात उनका योग बल ही उनको सहयोग करता है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होना तो इस विश्व नाटक का विधि और विधान है। बाबा ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, तुमको कब दूसरे की कमाई में आंख नहीं रखना है, अपनी कमाई करनी है और उसमें ही आंख रखनी है। यद्यपि यज्ञ एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार हर आत्मा को उतना ही मिलेगा जितना उसने व्यक्तिगत रूप से तन मन धन से सेवा करके जमा किया है या कर सकता है। अगला टॉपिक है कर्म भोग, योग बल और सहयोग। योग भी एक कर्म जिसका बल आत्मा को मिलता है और कर्म में योग अर्थात परमात्मा के साथ संबंध होने से आत्मा में बल आता है, अर्थात शक्ति निर्माण होती है जो आत्मा को कर्म बंधन एवं कर्म भोग से मुक्त होने में सहयोग करती है। जब आत्मा परमात्मा की मधुर याद में होती है तो उसकी मन बुद्धि एकाग्र होती है, जिससे बुद्धि में यथार्थ टचिंग होती है, यथार्थ निर्णय होता है, जिस अनुसार आत्मा पुरुषार्थ करके कर्म भोग और कर्म बंधन से सहज मुक्त हो जाती है। जब आत्मा में आत्मी शक्ति होती है और यथार्थ ज्ञान होता है तो उसको परमात्मा की याद स्वतः आती है, और जब आत्मा को सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद आती है तो उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। जो आत्मा को कर्म भोग के समय उससे मुक्त होने में सहयोगी बनती है, अपना योग बल ही आत्मा को कर्म भोग के समय सहयोग करता है और अन्य को भी सहयोगी बनाता है। अगला टॉपिक है कर्म भोग,
कर्मातिस्थिति और कर्मयोग। कर्मातिस्थिति कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है, जिस स्थिति का अनुभव कर्मयोगी ही कर पाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा कर्मातीत स्थिति और कर्मयोग का यथार्थ ज्ञान मिलता है और उसके अभ्यास के लिए विधि विधान भी परमात्मा ही बताते हैं। कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्म भोग, कर्म बंधन और कर्म संबंध, कर्मफल से मुक्त स्थिति जो आत्मा की परम धाम में ही होती है, परंतु आत्मा कर्मयोग का पुरुषार्थ करके संगम युक्त पर उस स्थिति का यहाँ अनुभव अवश्य करती है, और जो उसका जितना अधिक समय तक और अधिक अच्छा अनुभव करता है वह उतना ही कर्म भोग और कर्म बंधन से सहज मुक्त हो जाता है तथा भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्मफल और कर्म संबंध का खाता जमा करने में समर्थ होता है। यथार्थ और सदाकाल की कर्मातीत स्थिति तो आत्मा की अंत में ही होती है। जब आत्मा परमधाम जाती है उससे पहले उस स्थिति का अनुभव आत्माएं अशरीरीपन के सफल अभ्यास से कर सकती है। ये देह में रहते देह से न्यारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव परमानंदमय होता है। द्वापर से लेकर आत्माओं के जो भी कर्म है वे कर्म बंधन के ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनके फल स्वरूप आत्माएं दुख भोगती है। कर्मातीत स्थिति में न सुख का संबंध होता है और न ही कर्म के बंधन का दुख होता है। ओम शांति।